हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट थर्ड। इस यूनिट में हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे अब। और ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम इनपुट आउटपुट्स के बारे में बात करेंगे, फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो इनपुट आउटपुट में हम वेरियस फॉर्मेट्स जो होते हैं हमारे इनपुट के, कि भाई हम किस तरीके से कंसोल इनपुट ले रहे हैं, किस तरीके से हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को यूजर से इनपुट ले पा रहे हैं, है ना। इसी तरीके से हम आउटपुट में वेरियस फॉर्मेट देखेंगे, जो कि वेरियस कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे हैकर रैंक है उनमें काम आता है, कि उसको प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना है, उनकी इनपुट्स को किस तरीके से हमें लेना है। हम टीसीएस कोड बीटा, टीसीएस एनक्यूटी में आने वाले क्वेश्चंस के लिए किस तरीके से इनपुट आउटपुट लेंगे, उस पैटर्न पर बात करेंगे। फिर हम फ्लो कंट्रोल में लूप्स को, जो कि हमारे फॉर लूप है, वाइल लूप है, फॉर ईच फॉर एल्स लूप है, वाइल एल्स लूप है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। फॉर ईच लूप जो है वो अवेलेबल नहीं होता है पाइथन में। एंड इसके बाद हम इंडिविजुअल डेटा स्ट्रक्चर को, स्ट्रिंग को, टपल को, डिक्शनरी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, जो कि स्ट्रिंग बेस्ड होंगे, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी बेस्ड भी होंगे। और हम बहुत सारे जो कंपनीज में पूछे गए रियल टाइम सिनेरियोज हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चंस और कुछ प्रोग्राम्स को कवर अप करेंगे। सो दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। थैंक यू।